हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ टी लाइट कैंडल स्टैंड, जिसके लिए सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड लूँगी। मैं लाइट वेट कार्डबोर्ड लूँगी ताकि मैं उसे अच्छे से फोल्ड कर सकूँ। राउंड फोल्ड करने के बाद ग्लू गन से उसे पेस्ट कर दूँगी। एक्चुअली जो मैं स्टैंड बनाने वाली हूँ, एक क्रिएटिव स्टैंड होने वाला है, जिसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक प्यारी सी लेडी, जो कि स्टैंड बनेगी टी लाइट कैंडल का। तो राउंड करने के बाद मैं अच्छा सा रिबन लूँगी और उसको पूरा रिबन से कवर कर दूँगी। एक एक करके हम आराम से रिबन से कवर करेंगे। और मैंने ग्लू गन से उसको पेस्ट किया है, क्योंकि ग्लू गन से काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा होता है। पूरा पेस्ट करने के बाद फिर मैं एक वायर लूँगी, जिससे मैं हैंड बनाऊँगी वुमेन के। तो हैंड बनाने के लिए मैं बीच में से वायर को रखूँगी और दोनों तरफ से उसे फोल्ड कर दूँगी ताकि वो थोड़ा हैंड्स का लुक दे। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के रोल बनाकर उसको हैंड्स के अंदर डालूँगी। जितना हैंड होगा उतना ही हम न्यूज़पेपर का रोल डालेंगे। उसे कट करके फिर मैं दूसरे हैंड में उसको डालने के बाद मैं हैंड्स को भी कवर करूँगी ताकि न्यूज़पेपर नहीं दिखे। तो मैं एक अच्छी सी लेस लूँगी रेड कलर की और उसको पूरी तरह से कवर कर दूँगी हैंड्स में, ताकि जो हैंड्स हैं वो भी काफ़ी सुंदर और ब्राइट लगे। इसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट करें, क्योंकि ग्लू गन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं तो सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को भी ग्लू गन का यूज़ करना चाहिए। पूरा कवर करने के बाद मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी छोटा सा और एक कपड़ा लूँगी। इस कपड़े पे हम जो वुमेन है उसका लहंगा बनाएंगे, जिसके लिए मैं चुन्नी डालने के लिए थोड़ा सा ग्लू गन कपड़े के ऊपर लगाऊंगी और थोड़ी सी चुन्नी चुन्नी टाइप में बना दूँगी, ताकि इसका लुक पूरा लहंगे जैसा लगे। फिर जो हमने छोटा कार्डबोर्ड लिया था उसके ऊपर हम उसकी बॉडी को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं उसमें लहंगा अटैच कर दूँगी, जो नीचे का लुक है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। फिर मैं मोल्डेड क्ले लूँगी, उसको मिक्स करूँगी आपस में। मिक्स करने के बाद मैं अच्छे से फेस बनाऊँगी, राउंड फेस बनाऊँगी। और फेस बनने के बाद मैं उसमें टूथपिक लगा दूँगी। टूथपिक हम इसलिए लगाएंगे ताकि जो फेस है वो एक ही जगह पे फिट रहे, इधर उधर ना भागे, और इसमें अच्छी सी मजबूती बनी रहे। उसके बाद हम फेस पे कलर करेंगे, मैं वाइट कलर कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसके हेयर्स बनाऊँगी कलर से। मैंने उनकी हेल्प से भी हेयर्स बनाया ताकि थोड़ा सा ये रियल लुक दे सके उसके हेयर्स। उसके बाद हम चुनरी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक रेड कपड़ा लिया है और साइड में लेसें लगा दें ताकि ये पूरी चुनरी का लुक दे दें। चुनरी काफ़ी सुंदर लग रही है बनने के बाद। हम फिर चुनरी को भी उसके सर के ऊपर से उसको उड़ा देंगे ताकि ये पूरा ही एक देसी वाइब दे और काफ़ी सुंदर वाइब दे। तो हमने दुपट्टा भी चिपका दिया है। मैंने चिपकाने के लिए ग्लू गन का ही यूज़ किया है। उसके बाद हम थोड़ी सी ज्वेलरीज भी बना देंगे, जैसे कि मैंने उसका मांग टीका बनाया है, गले का हार बनाया है। फिर हम उसके फेस पे भी आइज़, नोज, आईब्रोज और लिप्स बना देंगे ताकि ये पूरी तरीके से वुमेन का लुक ले सके। तो इस तरह से हमारी टी लाइट कैंडल लेडी होल्डर बन के रेडी है। आपको ये यूनिक आइडिया मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरह के यूनिक आइडियाज़ मैं दिवाली के लिए लाती रहूँगी, आप लोग भी ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर उसकी फ़ोटोज़ भेजना। आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।